हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक टीआरवी। दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आया है ड्रोन के ऊपर इंडिया में। सो गाइस, अभी तक तो इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, लेकिन हाल ही में जो ड्रोन एग्जीबिशंस हुआ था दिल्ली में, यहाँ पे हमारे इंडियन एविएशन मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने ये अनाउंस किया है कि आपके पास जो भी ड्रोन्स हो, चाहे वो नैनो हो या फिर माइक्रो हो, चाहे वो स्मॉल ड्रोन्स हो, मीडियम हो या लार्ज हो, ये सारे ड्रोन्स, टॉय ड्रोन्स को इंक्लूड करके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा digitalsky.com पे। सो वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, क्यों, किस लिए और कैसे किया जाएगा ये रजिस्ट्रेशन, क्या इसके लिए फीस है, क्या इसके ऊपर पेनल्टीज है और ये क्यों न्यू रूल्स रेगुलेशंस आ रहा है इंडियन गवर्नमेंट से, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। सो पूरा देखना इस वीडियो को और रजिस्टर कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन वो है 31 जनवरी 2020 का। तो ये है हमारा 2020 का न्यू रेगुलेशंस ड्रोन के लिए बाय इंडियन गवर्नमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो जरूर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में दबाए बेल आइकन की, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहे। गाइस, जैसे कि मैंने कहा, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले रजिस्ट्रेशन हमारे ड्रोन्स का, क्योंकि 2020 में आया है एक न्यू रेजोल्यूशन, वो भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, और इस रूल और रेगुलेशंस को अप्रोच किया हुआ है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के एविएशन मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने, और इसे लेकर आने के लिए काफी चीजें सोची हुई है उन्होंने, और वो क्या है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो इसे हम लोग को रजिस्टर करना पड़ेगा digitalsky.dgca.government.com पे। तो आपका सभी ड्रोन, चाहे वो टॉय ड्रोन हो या फिर 249 के ग्राम का अंडर ड्रोन हो या फिर लार्ज हो या फिर मीडियम साइज का हो, जो भी ड्रोन्स है वो आपके पास, उसे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा digitalsky.dgca.government.in के वेबसाइट पे। ऐसा क्यों? द रीजन इज, इंडिया में काफी सारे ऐसे ड्रोन्स है, हालांकि DJI एक ब्रांड है, ओके, बट चाइनीज कंपनीज इतने सारे ड्रोन्स इंपोर्ट हो रहे हैं अपने इंडिया में, और जो कि विदाउट रजिस्ट्रेशन इंपोर्ट हो रहे हैं, उसी बेसिस पे हमारे जो भी इंडिया के लोकेशंस है, जो इंडिया के एरियाज है, जहां जहां पे हमारे इंडिया नेवी है, बेसिस है, सो एयरफोर्स बेसिस है, वो सारी चीजों को रिस्ट्रिक्शन करना और उनके ऊपर प्रॉपरली कंट्रोल करना विद द हेल्प ऑफ एवरी ड्रोन्स, इसके वजह से क्या होगा, हमारा इंडिया सेफ रहेगा। सो ये तो एक रीजन है, और गवर्नमेंट को ये भी पता चलेगा कि कौन सा ड्रोन कब कहाँ पे फ्लाई कर रहा है, क्या कैप्चर कर रहा है। हालांकि इनको कैप्चरेशंस के ज्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं मिलने वाले कि क्या कैप्चर कर रहा है, बट जो रिस्ट्रिक्शन जोन है उसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन आएगा कि यहाँ पे आप फ्लाई नहीं कर सकते, वो आपके हर एक ड्रोन के हरकत को, मूवमेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, हमारा इंडिया सेफ रहेगा। सो मेरे हिसाब से और इस गवर्नमेंट के हिसाब से, इंडियन नागरिक होने के हिसाब से, हमें हमारा ड्रोन रजिस्टर करना पड़ेगा, उसे कौन उड़ाता है वो भी रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दो तरीका का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एक ही वेबसाइट में, एक ही टाइम पे, और ये कुछ 25 मिनट्स का प्रोसेस है, इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टे ट्यून रहना और इसी बात पे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना इंडियन गवर्नमेंट के लिए। यहाँ पे ड्रोन्स को दो तरीके से बाइफर्केट किया, डिवाइड किया है। नैनो में आता है 249 ग्राम्स के नीचे वाले ड्रोन, जिसके अंदर टॉय ड्रोन्स भी आते हैं, और जो माइक्रो ड्रोन्स है उसके अंदर आपको 240 ग्राम्स के ऊपर के सभी ड्रोन्स इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी फी नहीं लगने वाला है इस रजिस्ट्रेशन के टाइम। जो नैनो ड्रोन है उसके लिए कम से कम 2 से 4 घंटे तक आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, आप मीन्स ट्रेनिंग लोगे गवर्नमेंट के थ्रू, और साथ ही में अगर आप माइक्रो ड्रोन्स है आपके पास तो आपको ऑलमोस्ट 20 से 25 घंटे का आपको ट्रेनिंग सेशंस लेना पड़ेगा। जब आप ऑनलाइन वीडियो कॉल के थ्रू टेस्ट दोगे, इससे आपको जांचा जाएगा कि क्या आप ड्रोन प्रॉपरली उड़ा सकते हो, कहीं पे आपको दिक्कत तो नहीं आ रही है, कहीं आप ड्रोन को गिरा तो नहीं रहे हो, प्रॉपर स्टेबलाइज, प्रॉपर हैंडलिंग जैसे आप कार चलाते हो उसी तरह कर पाते हो कि नहीं। काफी टाइम ऐसा होता है कि कार चलाते टाइम हमारा ध्यान हटा और दुर्घटना घटी, तो उसी तरह ड्रोन्स के ऊपर भी आपको प्रॉपरली ऑनलाइन टेस्ट किया जाएगा कि ताकि आप प्रॉपरली ड्रोन उड़ा रहे हो, कहीं उसका मिस यूज तो नहीं कर रहे हो। इसीलिए सारे चीजें पे रजिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट थोड़ी रूल्स एंड रेगुलेशन ला रही है। इंडियन गवर्नमेंट ये भी ट्राई कर रहा है कि अगर आप जो भी ड्रोन रजिस्टर कर रहे हो, चाहे वो टॉय ड्रोन हो या फिर चाहे वो माइक्रो ड्रोन हो या फिर नैनो ड्रोन हो, तो उसके ऊपर ट्रैकर लगाने के लिए वो भी एक कन्वर्सेशन चल रहा है। माइट भी ये हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता है, जिसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 5 to 6 thousand तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट और एक ऑप्शन ढूंढ रहा है GPS सिम ट्रैकर के थ्रू,
जहां पे आपके ड्रोन के अंदर एक ट्रैकर लगेगा जीपीएस के थ्रू, जिसे पता चलेगा कि आपका ड्रोन क्या है, किधर है, कैसा है, कैसे उड़ रहा है, कितने लिमिटेशंस पे है, क्या कैप्चर्स कर रहा है, ये भी काफी चीजों पे ध्यान देगा इंडियन गवर्नमेंट। और अगर आप किसी नॉन रिस्ट्रिक्शन एरिया में उड़ा रहे हो, जैसे कि एयरपोर्ट एरियाज में या फिर नेवी बेस के आसपास, तो वहां पे आपको रिस्ट्रिक्शन नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू, साथ ही में एसएमएस के थ्रू आपको आ जाएगा। बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट्स को यही चाहिए कि जो हमारा देश है, हमारा इंडिया है, उसे सेफ रखा जाए, क्योंकि यहाँ पे काफी ब्रांड्स ऐसे आ चुके हैं जो अनवांटेड ब्रांड्स भी है चाइनीज के, और डीजीआई खुद में बड़ा ब्रांड है, ठीक है। सो उसको प्रॉपरली हैंडल करें, उनसे कंट्रोल करें, कि ताकि ऐसा ना हो कि हमारे इंडिया के डेटास लीक्स हो रहे ओवरऑल स्काई के थ्रू, नेवी के बेसिस एंड काफी सारे चीजें। इसके वजह से इंडिया कुछ चाहता है कि ड्रोन कितने हैं हमारे इंडिया में, वो सारे इंफॉर्मेशन उनके पास होना चाहिए, कौन उड़ा रहा है, कौन नहीं उड़ा रहा है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट सेफ्टी पर्पज के लिए कर रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ हम सिटीजन्स के लिए। ओके, सो अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जाओ, अभी जो मैं स्टेप्स दिखाने वाला हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, उसे आप फॉलो करो और आप उसके बाद रजिस्ट्रेशन करो। दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। लेकिन और एक बात ध्यान देना, 31 जनवरी 2020 आपका लास्ट डेट है ड्रोन रजिस्ट्रेशन का। अगर आप लोग ने नहीं किया तो भाई लोग, बहनों लोग, आपको पढ़ने वाला है पेनल्टी गवर्नमेंट के तरफ से। वो कैसे पेनल्टी है, कितना टाइप्स का पेनल्टी है, कितने लगेंगे, ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है। बट यहाँ पे हमारे एविएशन मिनिस्टर ने कह दिया है कि भाई पेनल्टीज लगने वाले अगर आप लोग ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया 31 जनवरी तक। और ये सभी चीजों के वजह से रजिस्ट्रेशन के बाद ऐसा है कि आप आराम से फ्लाई कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, इसके ऊपर तो आगे रूल और रेगुलेशन आने वाला है, कौन से प्लेस पे आप उड़ाओगे, कौन से प्लेस पे नहीं उड़ाओगे, ये सभी चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा एविएशन मिनिस्टर्स की। आपको जो भी ड्रोन यूजर हो, कब उड़ाओगे, कब नहीं उड़ाओगे, चाहे शादी में उड़ाओ तो सेफली उड़ाओ, कैसे नहीं उड़ाना, सभी चीजों के लिए प्रॉपरली गाइडलाइंस बनने वाला है फ्यूचर में। बट उसके पहले इनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितने ड्रोन यूजर्स है हमारे इंडिया में, कौन से प्रोडक्ट के टाइप्स के यूज करें, कौन मैन्युफैक्चर है, कब लिया हुआ ड्रोन है, एक्स वाई जेड, ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन उनको तो इसी रजिस्ट्रेशन में चाहिए। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, यहाँ पे आपको दो नंबर मिलने वाला है। सबसे पहला जो है ऑपरेट एक्नॉलेजमेंट नंबर, कौन उस ड्रोन को ऑपरेट करने वाला है, तो आपका ड्रोन के एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये दोनों नंबर को आपको सेफली रखना है आपके डायरी में, आपके पास प्रिंटआउट में, कहीं पे भी जब भी आपको रजिस्ट्रेशन करके या फिर लोकल पुलिस में अथॉरिटी लाइसेंस मांग के कि हाँ मुझे यहाँ पे प्लेस पे उड़ाना है, तो ये दोनों नंबर आपको देना पड़ेगा, साथ ही में आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब सारी डिटेल्स देने पड़ेंगे, तभी जाके आपको लोकल एरियाज में परमिशन मिलेगा। अगर आप रजिस्टर करते हो फिर भी आपको, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी प्लेस पे उड़ा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। फिलहाल ये बस रजिस्ट्रेशन है, आगे का रूल्स एंड रेगुलेशंस आने वाला है बहुत जल्दी, सो स्टे ट्यून्ड रहना। बट पहले आप रजिस्टर कर लो भाई, पेनल्टी बहुत भारी है, इतना तो सोच लीजिए। सो गाइज, अभी तक आप लोग ने जितना भी सुना, होप्स हो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल हो। लेकिन अभी हम लोग जाते हैं आगे फर्दर प्रोसेस पे, जिसे हम लोग ऑनलाइन, मैं आपको ये बताऊं कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है और इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मोस्टली 5 डॉक्यूमेंट्स ही है, सो आप लोग इस वीडियो को आगे देखें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लेट्स गो फॉर रजिस्ट्रेशन। सो गाइस, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो, आप लोग को जाना है digitalsky.dgca.government.in के वेबसाइट पे, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो जैसे ही वेबसाइट चालू होता है, आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिखेगा इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, तो आप लोग उसे क्लिक करके रीड कर सकते हो। उसी के नीचे आप लोग देख सकते हो कि आपके पास जो भी ड्रोन्स हो, जो भी मॉडल्स हो इंडिया में, वो उसे आप रजिस्ट्रेशन करना है। सो नीचे यहाँ पे क्लिक करते गो टू ड्रोन एनलिस्ट साइट के ऊपर, तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे एक डेडलाइन दिखा रहा है 31 जनवरी 2020 का, और यहाँ पे आपको आपके सारे ड्रोन्स को रजिस्ट्रेशन करना है। हालांकि मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ 14 जनवरी को, और मेरे पास कुछ 16 दिन अभी भी बचे हैं। तो दोस्तों, ये तो वीडियो आपको आएगा 2 से 3 दिन में, सो इसी के वजह से आप जल्दी से जैसी वीडियो देखोगे तो पूरा देखें और आप लोग भी अपना ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कर लें। तो चलिए नीचे चलते हैं, स्क्रोल करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है, जिसे आपको केयरफुली रीड कर लेना। पॉइंट नंबर 1 कि आपको 31 जनवरी 2020 के पहले आपको ड्रोन रजिस्ट्रेशन करना है, आपका ड्रोन एनलिस्ट करना है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट, जहाँ पे आपका जो पब्लिक नोटिस है उसे आप रीड कर लीजिए। थर्ड पॉइंट है कि जो भी आपका ड्रोन्स है, जो भी आपका प्रोटोटाइप्स का ड्रोन है, या फिर एक टॉय हो, या फिर आरसी एयरक्राफ्ट है ऑटोमस, तो उसी को भी आपको रजिस्टर करना है यहाँ पे।
फोर पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे दो टाइप का रजिस्ट्रेशन करना है। पहला है ओनरशिप एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो ड्रोन को उड़ाने वाला है वो उसका एक्नॉलेजमेंट, वो ओनरशिप है उस ड्रोन का, वो मालिक का डिटेल देना है। और जो दूसरा है वो है ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर, जहाँ पे आपका ड्रोन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उसको एक नंबर दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट है कि अगर आपके पास बहुत सारे ड्रोन्स है तो उसे भी हर एक ड्रोन को डीएनए नंबर देना पड़ेगा उस एक ही ओएन नंबर के अंदर, मतलब ओनरशिप नंबर के अंदर सारे ड्रोन्स को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर जो भी ओनरशिप है ड्रोन का और उसके पास ओएन नंबर और डीए नंबर वैलिड नहीं होगा उसी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया रहेगा तो उसे पैनल एक्शन लिया जाएगा बाय गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 7 में क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपके पास भले ओएन और डीएन नंबर क्यों ना हो फिर भी आप ड्रोन इंडिया में उड़ा नहीं सकते, उसके लिए आपको सिविल एविएशन का रिक्वायरमेंट लगेगा और उसका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आप 27 अगस्त को रिलीज हुआ है वो आप जाके रीड कीजिए। पॉइंट नंबर 8 है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होगा, सो ये आप नोट डाउन कीजिए या फिर यहाँ पे पढ़ लीजिए फटाफट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को लगेगा पासपोर्ट फर्स्ट और लास्ट पेज का, वो भी एक ही स्क्रीनशॉट में एक ही पेज पे होना चाहिए, या फिर आप लोग आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हो फ्रंट एंड बैक का, वो भी एक ही शीट के अंदर। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो है तीन व्यू से, तीन एंगल से आपके ड्रोन का फोटो होना चाहिए, एक फ्रंट व्यू सामने की तरफ से, एक टॉप व्यू ऊपर की तरफ से और एक क्लोजअप व्यू जहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरर का सीरियल नंबर है। सभी पिक्चर लेते समय आपको मेजरिंग टेप या फिर स्केल रखना है आपके ड्रोन के आसपास, जैसे कि मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। पॉइंट नंबर 3 जो रिक्वायरमेंट है, आपका एड्रेस प्रूफ, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो, गैस बिल हो, फिक्स लाइन का टेलीफोन या फिर मोबाइल बिल हो, अगर वो सारी चीज़ आप अवेलेबल नहीं है तो आप बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए फ्रंट पेज के साथ, 3 मंथ का स्टेटमेंट होना चाहिए और जो भी आपका फाइनेंशियल अमाउंट होगा उसे आप ब्लैकआउट कर सकते हो। जो 4 रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट में, आप अगर ओनर हो, आप इंडिविजुअल ओनर हो, आप कंपनी नहीं हो, तो आपको आपका हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अटैच करना है, फॉर एग्जांपल एसएससी, एचएससी या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपका क्वालिफिकेशन हो वो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अटैच करना है। 5th पॉइंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, पैन कार्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप इंडिविजुअल ओनर हो तो आपको पैन कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही में उसी तरह एक ऑफिशियल लेटर देना पड़ेगा कंपनी के लेटर एड पे कि आपको सिग्नेचरी ऑथराइज बनाया हुआ है। अगर आप कंपनी से रजिस्टर कर रहे हो तो आपको पैन कार्ड और लेटर हेड ऑफ कंपनी का लगेगा। पॉइंट नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे जितना भी फोटोज़ या फिर जो भी सभी डॉक्यूमेंट्स है वो 300 KB से कम होना चाहिए, मतलब कि 300 KB से ज़्यादा ना हो, इस बात का आपको ध्यान देना है। और ये रिड्यूस कर सकते हो आप इंटरनेट के थ्रू, इस सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करने के लिए ऑलमोस्ट 25 मिनट्स लगने वाला है। और यहाँ पे नो सेव ऑप्शन का भी डिटेल आता है, मतलब कि आप उसे सेव करके आगे चले जाओ या फिर बाद में सबमिट करो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक ही बार में आपको सब डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। बाकी के जो भी डिटेल्स है, जो भी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो यहाँ पे रीड कर सकते हो। अगर आपका ये सभी डॉक्यूमेंट रेडी है तो आपको बस 25 मिनट लगेगा एनलिस्ट हो जाने के लिए आपके ड्रोन को। मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये है आधार कार्ड फ्रंट और बैक का, और ये एक ही पेज के ऊपर मैंने कंप्रेस करके रख चुका हूँ 300 KB से नीचे। उसी तरह सारे डॉक्यूमेंट जो भी मुझे रिक्वायरमेंट है, एयरटेल का बिल, मेरा एक मोबाइल बिल हो गया एड्रेस प्रूफ के लिए, उसके जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, यहाँ पे मैंने स्केल रख के इसे अच्छे से प्रॉपरली फोटो लिया हूँ, ये है एक फ्रंट व्यू, उसी के बाद यहाँ पे मेरा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, साथ ही में टॉप व्यू है और सीरियल नंबर का जो भी फोटोज है वो मैंने यहाँ पे अटैच कर चुका। सो इस तरीके से आपको फोटो लेना है और इस तरीके से आपका सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए 300 KB के नीचे। सो वापिस से जाते हैं हमारे वेबसाइट पेज पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं एनलिस्ट माई ड्रोन के ऊपर, तो वैसे ही यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको आपके सारे डिटेल्स भरने हैं, जैसे कि नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, और आपको रजिस्टर करना है खुद को। सो मैं फटाफट मेरे सारे डिटेल्स भर लेता हूँ, और जैसे ही पासवर्ड फिलअप हो जाता है वैसे आपको यहाँ पे नीचे की तरफ क्लिक करना है जनरेट ओटीपी, और ये ओटीपी जनरेट होते ही उसे यहाँ पे पुटअप करना है और सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद आपको आपके ईमेल आईडी पे जाना है। सो गाइस, जैसे ही आप वेरिफिकेशन के लिए आपके ईमेल आईडी पे जाओगे तो एक लिंक मिलेगा, लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो एक न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको जो भी आपने ईमेल आईडी आपका दिया हुआ था और जो पासवर्ड रखा था उसे आपको फिलअप करना है और साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप इंडिविजुअल हो या फिर कॉरपोरेट ओनर हो, तो आप हो एक इंडिविजुअल ओनर तो आपको इंडिविजुअल ओनर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको पर्सनल डिटेल्स पूछे उसे आपको फिलअप करना है,
वो भी सारे सभी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, और मेक श्योर कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स 300 KB के नीचे हो और रेडी हो सबमिशन करने के लिए। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने अपने सारे डिटेल्स भर रहा हूँ एक एक करके, और उसके बाद नीचे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आता है कि आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी क्या सबमिट कर रहे हो। तो मेरे पास तो पासपोर्ट भी है और आधार कार्ड भी है, बट मैं फिलहाल प्रेजेंटी के हिसाब से अभी मेरे पास आधार कार्ड रेडी है, सो मैं आधार कार्ड डालूंगा और उसका नंबर इनपुट करूंगा, फिर उसका जो फाइल है उसे अपलोड कर दूंगा यहाँ पे क्लिक करके। सो जल्दी से फटाफट मैं सारे डॉक्यूमेंट्स इसी तरह फिलअप कर देता हूँ और उसी तरह सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर लेता हूँ। उसी के बाद आपको आएगा करंट एड्रेस का डिटेल्स, उसके बाद आपको पुटअप करना है आपका एड्रेस। जैसे आपका एड्रेस फिलअप हो जाएगा वैसे आपको एड्रेस प्रूफ अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद नीचे क्वेश्चन आता है हायर एजुकेशन के रूप पर, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अटैच कर रहा हूँ और उसका भी फाइल अपलोड कर दिया हूँ। नीचे आओगे तो आपका ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट पर्सन नेम और डिटेल ईमेल आईडी उनका देना रहता है, और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट का बटन दबाना है। जैसे ही सबमिट का बटन दबाओगे यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका QAN रजिस्टर हो गया है, मतलब आपका QAN नंबर जनरेट हो गया है, और इससे सेम चीज आपको ईमेल आईडी पे भी ये नंबर आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली जनरेटेड द QAN नंबर। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको स्क्रोल अप करना है, स्क्रोल अप करके जाना है बैक टू माय ड्रोन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अभी आपको अनलिस्ट करना है आपका न्यू ड्रोन, सो वहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे अनलिस्ट योर न्यू ड्रोन, क्योंकि अभी तक आपका आईडी बना है आपका पर्सनल डिटेल्स भर के। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके सारे ड्रोन्स के इन्फॉर्मेशन लिखना है, कब मैन्युफैक्चर हुआ है, ये इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, कौन से ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ है, मॉडल नेम, उसी के साथ आपको सीरियल नंबर जो मैन्युफैक्चरर ने दिया है वो आपको फिलअप करना है। आपके DJI पे वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपके सारे ड्रोन्स के ऊपर ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो जैसे कि मेरा मैन्युफैक्चरर है वो है DJI, जो मैं मॉडल है मेरे पास वो है मैविक मिनी, कौन से ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ है 2019, सो वो सारी चीजें मैं डिटेल यहाँ पे मेरे सीरियल नंबर एंड ऑल भर दूंगा। उसके बाद हम लोग स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि इसका वेट क्या है, जहाँ पे आपको इंक्लूडिंग बैटरी वेट बताना है। तो जैसे कि मेरा DJI मैविक मिनी 249 ग्राम्स का है तो 0.249 kgs लिखना है मुझे। उसके बाद टाइप ऑफ ड्रोन में सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएगा कि आपका नैनो ड्रोन है या माइक्रो ड्रोन है, तो वो ऑटोमेटिकली जब भी आप वेट डालोगे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाता है। उसी के बाद आप नीचे देखोगे तो वहाँ पे ऑन बोर्ड कंट्रोलर लिखा हुआ है कि ये मैनुअल है कि ऑटो है, तो आपका मैनुअली ड्रोन है तो वहाँ पे आपको मैनुअल सिलेक्ट करना है। विंग्स टाइप की बात करें तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है कि ये रोटेट वाला विंग्स है, जो इसके लेग है वो रोटेट होके ओपन होते हैं, या फिर फिक्स लेग है। तो यहाँ पे मेरा DJI मैविक मिनी रोटेट होता तो इसके लिए मैं रोटेट सिलेक्ट करूंगा। तो वो आप उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन भरिए आपके ड्रोन के हिसाब से, और आपने कौन से मंथ में परचेज किया है वो डिटेल आप भर देना। उसके बाद आपको स्क्रोल डाउन होके नीचे आना है, जहाँ पे आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, सीरियल नंबर वाला इमेज आपको अपलोड करना है यहाँ पे वन बाय वन, और यहाँ पे मैं हर एक चीज़ सिलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो। मेक श्योर कि आपका जो भी फाइल होगा इस इमेज का वो भी 300 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पे मैंने सारे फोटोज JPG फॉर्मेट में 300 KB के नीचे अपलोड कर दिया हूँ। अब स्क्रोल डाउन नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ है तो उसे एग्री करना है, और फिर उसके बाद आपको गेट DAN के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप करोगे विदिन अ सेकेंड यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि आपका जो ड्रोन है उसका DAN नंबर जनरेट हो चुका है और आपके ईमेल आईडी पे 48 आवर्स में आ जाएगा ये DAN नंबर। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट्स में सेम मैसेज आपको डिजिटल स्काई ड्रोन के पास से अनलिस्टेड आपका ड्रोन यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दोनों हो गया है। यहाँ पे आपको DJI मैविक मिनी जो भी आपका ड्रोन है यहाँ पे लिस्टेड दिखेगा आपके यूजर आईडी के अंडर। इसी के साथ अगर आपको और भी ड्रोन्स ऐड करना है तो वहाँ पे आप एनलिस्ट का बटन दबा के फिर से और भी आप ड्रोन्स ऐड कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये बहुत इजी लगा होगा, सिंपल लगा होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी भी आपके पास काफी टाइम है, ध्यान रखना कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट हो वो 300 KB के नीचे हो। अब देखिए आप आगे का वीडियो। सो गाइज कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए रहेंगे। इस वीडियो में कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, क्या रजिस्ट्रेशन का वैल्यू है, गवर्नमेंट क्यों रजिस्ट्रेशन चाहती है, और ये सभी चीज़ें काफ़ी इजीली मैंने अगर आपको एक्सप्लेन किया है तो इसी बात पे लाइक करना। बट फिलहाल ये रजिस्ट्रेशन है, और अगर अभी तक आप लोग ने नहीं किया है तो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करो, फटाफट रजिस्टर करो, उसके बाद का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आएगा उसे फॉलो करना है।
इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने रजिस्टर किया तो आप किधर भी फ्लाई कर सकते हो, ऐसा जरा भी नहीं है। एयरपोर्ट प्लेस पे तो आपको उड़ाना नहीं है, काफी रूल्स एंड रेगुलेशन आने वाले फ्यूचर में, सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछे, विदाउट सब्सक्राइब किए जाना मत। सी यू सून, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, फ्लाई सेफ और जय हिंद।